पार्टी, ट्रांसपोर्ट यूनियन जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट यूनियन जिंदाबाद, एलजी साहब जिंदाबाद, एलजी साहब जिंदाबाद, चीफ सेक्रेटरी साहब जिंदाबाद, हमारे चेयरमैन साहब जिंदाबाद, प्रधान साहब जिंदाबाद। ट्रांसपोर्टर्स के लिए इस समय की अच्छी खबर आपको बता दे चले कि जो आप एक साल में दो बार अपनी फिटनेस फीस जो है वो जमा कराया करते थे, देना पड़ती थी, लेकिन वो अब जो है आपको साल में एक ही बार देनी होगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस समय हमारे साथ आप देख सकते हैं कि RJ&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन और उनके साथ ही आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर मौजूद है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज इनकी मेहनत फिर से रंग लाई है। लगातार ट्रांसपोर्टर्स की बात करें तो इनकी एक से एक मांगे जो है पूरी होती जा रही है। जी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप ट्रांसपोर्टर्स की जो कुछ दिन पहले आपने LG साहब के आगे डिमांड रखी थी, लेकिन आज वो डिमांड जो है वो आपकी पूरी हुई है और यहाँ पर आज जश्न का माहौल है। सबसे पहले तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मीडिया जनों का धन्यवाद करेंगे क्योंकि हमेशा आपके थ्रू ही हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हैं। आज का मुख्य था कि जो हमने, हमारा एक बहुत पुराना इशू था फिटनेस का। एक्चुअल में ऑल ओवर इंडिया में 15 साल के गाड़ी, जो 15 साल कैटेगरी लाइफ के ऊपर की गाड़ी है, उसकी फी हाइक हुई थी। तो वैसे ही JKUT में भी उसकी फी 1600% हाइक हुई थी, मगर ऑल ओवर इंडिया में साल में एक बार फी ली जाती है, एक बार फिटनेस होती है, मगर JKUT में साल में दो बार फी ली जा रही थी और दो बार फिटनेस हो रही थी, मतलब 3200% फी हाइक हो गई थी। तो हम इस, ये जो जंग लड़ रहे थे, मैं इसको जंग बोलूंगा क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां हमारी खड़ी हो चुकी थी, इसमें बहुत ह्यूज अमाउंट बन जाती है। तो ये हमने RJ&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के पूरे परिवार ने, हमने मिलके ये जंग लड़ी। और आपको याद होगा कि 6 अप्रैल को हमने एक बंद की कॉल की थी कि हम 17 को बंद करेंगे। तो 14 को बैसाखी वाले दिन सरकार ने बैसाखी का एक बहुत बड़ा तोहफा दिया था हम ट्रांसपोर्टरों को, मगर उस दिन जो नोटिफिकेशन निकली थी ये फिटनेस की, उसमें 6 वीक का टाइम था कि उसमें ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए 6 वीक का टाइम था। वो 6 वीक का टाइम लास्ट मंथ 26 को कंप्लीट हो चुका था। तो अभी ऑर्डर आना बाकी था, अभी जस्ट 1 घंटा पहले अभी ऑर्डर आया है। उसमें उन्होंने वही जो हमसे वादा किया था, जो नोटिफिकेशन निकाली थी, उसी के तहत फिटनेस मीन्स गाड़ी का चेकअप गाड़ी का दो बार होगा, मगर फिटनेस फी जो है वो फर्स्ट टाइम जब हम फिटनेस करेंगे उस टाइम फी देनी होगी। सेकेंड टाइम जब हम फी फिटनेस करने के लिए जाएंगे गाड़ी की, तो सेकेंड टाइम ओनली 100 रुपीज देने होंगे। ओनली 100 रुपीज देने होंगे। देना पड़ते थे पहले 12,300 कुछ रुपए, 13,000 रुपए के आसपास थे, 13,000 रुपए बस के थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारी 50% उस ढंग से देखा जाए तो 50% फी जो हमारी माफ हो गई। हालांकि बड़ी 1600% थी वो भी था, मगर वो एक एज लाइफ थी गाड़ी की, 15 साल की, 15 साल की लाइफ के ऊपर की गाड़ी की थी। तो इसके लिए, क्योंकि सबसे पहले ये इशू हम, जब मैंने चेयरमैनशिप संभाली थी तो हम सबसे पहले LG साहब के पास इशू लेके गए थे। LG साहब ने हमारी बात सुनी और उसी वक्त ये बोला था कि यार अगर पूरे हिंदुस्तान में एक बार है तो यहां क्यों नहीं। हमने 6 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि LG साहब के मार्क करने के बावजूद कहीं ना कहीं फाइल अटक रही थी, जो 14/4 को फिर नोटिफिकेशन निकली। उसके लिए हम ऑनेबल LG साहब, मनोज सिन्हा साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं RJ&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से। उसके बाद एडवाइजर साहब भटनागर साहब का और चीफ सेक्रेटरी साहब, जिन्होंने बहुत सहयोग किया उन्होंने हमें, और उसके बाद सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट। ये एक बहुत अच्छी टीम है LG साहब की, जिन्होंने ट्रांसपोर्टर का दर्द समझते हुए ट्रांसपोर्टर को एक, मतलब ऑक्सीजन दी है, ट्रांसपोर्टर को एक जिंदा करने वाला काम किया है। हम एक बार फिर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सबसे ज्यादा धन्यवाद अपनी पूरी टीम RJ&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के एक दूसरे का साथ दिया है। वही हमारे प्रधान साहब ने पहले ही बोला है कि हम यूनाइट हैं तो काम हो रहा है। इसमें यही है कि आओ ट्रांसपोर्टर साहब एक यूनाइट हों, एक प्लेटफॉर्म में आए, तो ताकि अपने ट्रांसपोर्टर का जो दुख दर्द है उसको साझा कर सके, उसको सॉल्व कर सके। विजय जी क्या कहना चाहेंगे, आपने जो है वो ये भी पहले इस तरह से कहा था कि हम चक्का जाम करेंगे, लेकिन उसके बाद जब बातचीत हुई तो उसमें कहीं ना कहीं आपका हल निकला है। देखिए, पहले तो चक्के ही जाम होते थे, लेकिन जब से हमारी नई टीम, जैसे चेयरमैन ने साहब ने कहा है आपको, एकता जो हमारी है, और जब ये पदभार संभाला था अजीत सिंह ने एज ए चेयरमैन, तो तब से हमारा जो सिस्टम आपने देखा, चक्का जाम तभी होता है जब सरकार बात ना माने तो। मगर जैसे आपने देखा हमारी धीरे धीरे करके एक एक मांग, क्योंकि 5-6 हमारी पेंडिंग मांग थी जिसमें ये लास्ट मांग थी, तो
ये नहीं है कि हमारी मांगों का जो सिलसिला है वो बंद हो जाएगा, आए दिन कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आती रहेगी और इसी तरह हम सरकार के आगे वो अपनी मांग रखेंगे। और आज खासकर ये बड़ा ही खुशी का दिन है हमारे लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टरों के बहुत बड़ी राहत, जैसे क्योंकि हैवी अमाउंट में हमारी फिटनेस फीस थी ये 13,600 रुपए बड़ी बस की और 8,300 छोटी गाड़ी की, मिनी बस की, और उसी तरह बाकी टैक्सी है, ऑटोस है। तो ये हमारी जो मांगे थी उसमें ये लास्ट मांग थी। आज धन्यवाद करते हैं हम एलजी साहब का, क्योंकि इसी तरह हमारे काम होने चाहिए और ट्रांसपोर्टर हमेशा सरकार के साथ रहेगा। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे सर? आज का दिन बहुत खुशी का दिन है, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि जब से चेयरमैन सरदार अजीत सिंह जी ने पदभार संभाला है ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का, तो एक नई रोशनी मिली है और नई उम्मीद है हमें कि जितने भी हमारे पेंडिंग जो भी आज तक के जो हमारे काम हैं वो इनकी सुपरविजन में, इनकी चेयरमैनशिप के अंदर सब होंगे। और मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, इनका काम करने का बहुत बढ़िया तरीका है। और इसी तरीके से हम एलजी साहब का और जिस तरह के चीफ सेक्रेटरी साहब का, एडवाइजर साहब का, चीफ कमिश्नर सेक्रेटरी का, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का, सबका धन्यवाद करते हैं। और अपने ट्रांसपोर्टर भाई जो है इसी तरह साथ में बने रहे, एकता बनी रहे, तो कोई ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं करवा सकते। बिल्कुल, थैंक यू आपका भी। बहुत एकता हो तो कोई भी काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो तो वो जो है वो हल हो ही जाता है। तो भूषण साहब क्या कहना चाहेंगे? आज बड़ा खुशी का दिन है, मिठाइयां वगैरह यहाँ पर बांटी जा रही है। देखिए, पहले तो मैं जम्मू परिवर्तन की टीम और हम सभी ट्रांसपोर्टर की तरफ से आपको बधाई भी देता हूं। और आपका जो इतना संजोग रहता है, जो आप पार्टिसिपेशन बोलते हैं, जो आप हर वक्त हमारे जब भी हमको जरूरत होती है आप फोर्थ पिलर, हमारा एक पिलर बनके खड़े हो जाते हो, हमारी आवाज जो सरकार तक पहुंचाते हो, उसका ये नतीजा जो आज निकलते हैं हमारे बार बार, ये आप लोगों की ही वजह से निकलते हैं। रही बात जो इशू थे, ये सब मैं तो अपनी जूनियर प्राइम जो मेरी जूनियर है मैं उसकी तरफ से यही बोलूंगा कि मैं तो जो जितना भी क्रेडिट है मैं सारा अपने चेयरमैन साहब को और जो हमारे प्रधान साहब है और अपनी जितनी भी टीम है सब इनको देना चाहता हूं। क्योंकि जो हमारे पुअर ट्रांसपोर्टर हैं इस वक्त, जो जिस कागार पे कोविड की वजह से जो लोग हमारे बिल्कुल लास्ट पे चले गए थे, ऐसी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम कहने को तो छोटी है मगर जो अगर ईयरली देखा जाए तो 13,000-14,000 रुपया पर मंथ बनता है। उस तरीके से अगर देखा जाए छोटा छोटा बूंद से ही तालाब भरता है। तो ऐसे ऐसे अगर हमारे मुद्दे, हमारी टीम, हमारे चेयरमैन साहब और सबसे ज्यादा अपने दिल की गहराइयों से एलजी साहब का और चीफ सेक्रेटरी साहब प्रसन्या स्वामी साहब जो हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हैं, सब टीम का, सब अफसरों का मैं अपने दिल से गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। ज्यादा से ज्यादा अपने चेयरमैन साहब का और प्रधान साहब का शुक्रिया करूंगा कि ऐसे ही हमारे काम करते रहे और हमारी टीम जो आगे बढ़ती रहे। ट्रांसपोर्टर्स के लिए एक अच्छी खबर थी कि जो उन्हें साल में दो बार फिटनेस फीस देना पड़ती थी वो अब जो है वो नहीं देनी होगी। दूसरी बार जब फिटनेस गाड़ी की चेक कराने के लिए जाना है तो आपने सिर्फ वहां पर 100 रुपया जो है वो देना है। अगर पहले की बात करें तो पहले आपसे 15,000 या 16,000 रुपया ऐसा लिया जाता होगा, लेकिन अब आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं देना है। क्योंकि अजीत सिंह जी ने जब से जो है वो आज जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का अहदा संभाला है तब से लगातार ट्रांसपोर्टर्स की मांगे जो है वो पूरी होती जा रही है। और पहले जिस तरह से लगातार ट्रांसपोर्टर्स को कहीं ना कहीं चक्का जाम करने के लिए मजबूर होना पड़ता था, लेकिन अब बातचीत से जो है वो हल निकाला जा रहा है। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर।